क्या आपको आंखों की, कान की, या आपके गले की, या आपके नाक की कोई भी तकलीफ रहती है? जी हाँ, कोई भी तकलीफ रहती है, चाहे वो कफ हो, कोल्ड हो, कान में दर्द हो, आंखों में से पानी आना हो, या आंखों की कमजोरी हो, या आपको हमेशा साइनस या माइग्रेन रहता हो, या आपको हमेशा टॉन्सिल्स रहते हो, या जिसकी वजह से आपका हमेशा गला हमेशा बहुत दर्द करता हो, शायद आप कान में आवाज़ भी कम आती हो, इनमें से कोई भी तकलीफ आपको हो, जैसे मैंने बताया, आपको कोई भी आँख की, कान की, नाक की या गले की कोई भी तकलीफ हो, तो ये क्रिया एक बहुत पावरफुल मार्मिक क्रिया उसमें बहुत ढंग से उपयोग करती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता से, थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएं। जैसे कि मैंने बताया, ये आपकी चार चीजों को कैटर कर सकता है, ईईएनटी यानी आईज, ईयर, नोज और आपका थ्रोट। इनमें से कोई भी, कहीं पर भी कोई भी तकलीफ हो तो इसमें ये क्रिया बहुत ढंग से काम करती है। देखिए, इस क्रिया को करने के लिए केवल आपको सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी है कि ये मर्म है कहां पर। ये मर्म है एग्जैक्टली आपके नाक के बिल्कुल एक अंगुल के डिस्टेंस पे। तो जहां पर आपका नाक खत्म होता है, तो यहां पर ये मेरा नाक खत्म हुआ और ये एक अंगुल का डिस्टेंस है। एग्जैक्टली एक अंगुल के डिस्टेंस पर ये वर्मी रहती है। इसे हम बोलते हैं श्रृंघटका। जी हाँ, इसे क्या बोलते हैं हम? श्रृंघटका। बेसिकली संस्कृत में इसका मतलब होता है जहां पर चार रास्ते मिलते हैं। तो ये एग्जैक्टली यहां पर और यहां पर आपके चार रास्ते मिलते हैं। तो बेसिकली आप अगर उसको थोड़ा सा पैल्पेट करेंगे, थोड़ा सा उसे ये स्पेसिफिक एरिया को दबाएंगे, तो यहां पर आपको थोड़ा दर्द होगा। ये आपके साइनस का भी एरिया रहता है, पर स्पेसिफिकली ये जगह रहती है आपके श्रृंघटका मर्म को उत्प्रेरित करने की। तो अगर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कभी भी गले में दर्द रहता है, बहुत कफ कोल्ड रहता है, हमेशा सूजन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, टॉन्सिल्स रहते हैं, या आपको टेस्ट कोई खाने में नहीं आता है, कान हमेशा, नाक आपके बंद रहते हैं, कान बंद रहता है, आंखों में से हमेशा कोई ना कोई इन्फेक्शन होता रहता है, या आंखों में से पानी आता रहता है, सर दर्द रहता है, साइनस या माइग्रेन रहता है, तो उसमें आपको करना क्या है, केवल इस भाग को 15 से 18 बार हल्के हल्के से, बहुत हल्के हल्के से, एक एक सेकंड में उसे उत्प्रेरित करना है, यानी एक एक सेकंड का उसे स्टिमुलेट करना है। आपकी सांस चलती रहनी चाहिए जब आप इसे स्टिमुलेट करें, और इसे 2 से 3 बार कीजिए दिन में। इससे आपको बहुत आराम आने लगेगा, करके खुद ही देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे बिल्कुल अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस लिए है, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, बटन बिल्कुल यहाँ पर है, बटन तुरंत दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सावंत है। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।